देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सोयाबीन के भाव पिछले एक महीने से स्थिर हैं, इसलिए अब किसान भी जरूरत के हिसाब से बेचने या स्टोर करने पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोयाबीन की कीमत स्थिर रह सकती है। दामों में बढ़ोतरी के आसार नहीं है क्योंकि सीजन के अंत में हुई आवक बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी सीजन के चने को अच्छा रेट मिल रहा है और चने का भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करता था, वो बढ़कर 5,000 रुपए हो गया है। हालांकि ये गारंटी रेट से कम है, लेकिन कीमतों में जारी सुधार किसानों के लिए राहत की बात है। जो काम सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों ने किया, वही अब चना किसान करते दिख रहे हैं। अचानक से चने की आवक में गिरावट आई है और बाजार दरों में वृद्धि भी देखने को मिली है। इसे देखकर कहा जा रहा है कि किसानों का फैसला एक बार फिर सफल होता नजर आ रहा है। रबी सीजन में चने की कटाई होते ही बाजार में भारी आवक शुरू हो गई थी। लातूर कृषि उपज मंडी समिति में प्रतिदिन 40,000 से 45,000 क्विंटल चना पहुंच रहा था, लेकिन ये देखने के बाद कि कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, किसानों ने अपना ध्यान चना भंडारण पर स्थानांतरित कर दिया है। वहीं इस सप्ताह के पहले दिन सिर्फ 18,000 क्विंटल चना ही मंडी पहुंचा था, जिसके बाद कीमत 4,600 रुपए से 5,000 रुपए पर आ गई है। वर्तमान में लातूर कृषि उपज मंडी समिति ने पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन, चना और तुअर के आवक में वृद्धि देखी गई है। सोयाबीन की आवक सबसे अधिक है, जबकि चने की आवक में तेजी से गिरावट भी आई है। किसान कृषि उत्पादों की कीमतों के हिसाब से ये तय कर रहे हैं कि उन्हें इसे बेचना है या स्टोर करना है। खरीफ फसल उत्पादन में गिरावट के बावजूद किसानों को अंतिम चरण में कीमतों में बढ़ोतरी से थोड़ी राहत मिल रही है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।